हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं, क्लास एट आरएस अग्रवाल मैथ्स की बात करेंगे और एक्सरसाइज आपकी 1G है और पार्ट टू है। देखिए पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक बात करी, पार्ट टू में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक बात करने वाले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 11 पर, और 11 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करने से पहले देखते हैं हम लोग, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर लीजिएगा। देखिए ये तो यूट्यूब पर पढ़ाते पढ़ाते अपने आप आदत पड़ जाती है, तो ये तो कहना ही पड़ता है। आप लोग बाकी समझदार है, क्या करना क्या नहीं वो आपको मालूम है, लाइक तो कर ही देंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, क्या कह रहा है उसको देखेंगे ध्यान से। द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 166 होल 1/4। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 1 मीटर क्लॉथ का हमसे कॉस्ट पूछी गई है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमें, और हम क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर क्लॉथ इक्वल्स टू रुपए 166 होल 1/4। ये है बच्चों, इसको मिक्स से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तो 4 6 24 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 665/4 में कितना 4 ये आ गया। देखो कन्वर्ट करने पर आपसे क्या पूछी गई बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, क्या बताना आपको, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल्स टू, क्या लिखोगे बच्चों, 1 मीटर का पूछा गया ना आपसे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 665/4। हमारा इतने का ये था, तो डिवाइड का साइन देखिए यहां पर है ना, कितना है ये 3 होल 3 2 6 और 1 7/2। तो सबको मालूम है सर, इसको जब डिवाइड में आपने कन्वर्ट किया तो 665/4/2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे उसको देखेंगे ध्यान से। तो सबको मालूम है सर 7 8 जा होते हैं 56 होता है ना, बात समझ में आ रही है, और 2 2 जा 4 कर लो पहले, तो चलो 7 8 जा 56 होता है, 7 9 जा 63 चला लेंगे हम, कोई बात नहीं, 7 9 जा 63 और 7 5 जा 35। तो 95/2 में कितना आ गया 2, ये कितना 1 मीटर क्लॉथ का आ गया। बट हमको जो आंसर देना किस में देना है स्टूडेंट, रेशो उसमें देना है, फ्रैक्शन में देंगे हम लोग मिक्स में, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, देखो यहाँ 47 आना चाहिए ना, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 4 जा 8 और 1 9, कितना आ गया आंसर, 47 होल 1/2 रुपए। चलिएगा ये क्वेश्चन आपका हो गया जी 11। हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर, और 12 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद स्टूडेंट हम आपने आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पर, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हम लोग आइए उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन आप सबके क्या सामने है, और आराम से क्वेश्चन को रीड करेंगे और आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या गिवन है उसको देखेंगे आइए। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा क्वेश्चन में, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 71 होल 1/2 मीटर हैज बीन कट इनटू 26 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ है उनकी सबकी, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो सिंपल है, टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल्स टू 71 होल 1/2 मीटर। इसको मिक्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 143/2 मीटर। आगे कितने पीसेस हमने किए, 26 पीसेस किए। आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ द ईच पीस, तो द लेंथ ऑफ ईच पीस आपसे लेंथ पूछी गई है, क्या पूछा गया आपसे, लेंथ ऑफ ईच पीस। तो इक्वल टू देखिए कितना जाएगा, 143/2 में कितना आपका 2 है, कितने पीस किए उसने सर, 26 पीसेस किए, कितने किए हैं 26। तो देखो ध्यान से, अब हम लोग देखो आपको डिवाइड का रूल मालूम था कि सर हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं सर, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, कितना हो जाएगा सर, 1/26 हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को यहां पर, ओके सर बात समझ में आ चुकी है। अब क्या करेंगे सर, इसको डिवाइड कर दीजिए सिर्फ आप, तो 143/2 कितना है, 26 2 जा कितना हो जाएगा, 52 आ जाएगा। इसको आइए मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लिया, ये डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड भी करके चेक कर लो भाई, 2 2 ये आपका
13 से जाएगा क्या? चलिए तो आपका कितना हो जाएगा ये 52, 11 से देखते हैं, ये आपका 11 टाइम जाएगा, है ना भाई, 11 वन जा 11, कितने बचे 3, और कितना हो गया, और यहां हो ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, ठीक है, कितनी बार जाएगा 4 टाइम, बात समझ में, कैसे कैसे हमने डिवाइड किया है, देखो बच्चों 11 वन जा 11 और 11 थ्री जा 33 हो गया, और 13 फोर जा कितना हो गया 52, तो कितना आ गया 11 अपॉन 4 आ जाएगा, मिक्स में कन्वर्ट करिए तो 4 टू जा 8 और 3 11, हमसे क्या पूछा, लेंथ पूछी है, तो लेंथ किस में आएगी स्टूडेंट, मीटर में आ जाएगी आपका, तो आंसर कितना आ गया आपका, ये आ गया देखो, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, ये 12 कंप्लीट हुआ, आगे कौन से पर, हम लोग 13 पर आ चुके हैं, और 13 में क्या कह रहा उसको देखेंगे, आइए क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 13 पर, इसको कर देते हैं यहां पर हम रफ, और क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको देखेंगे, चलिए तो बहुत ही सिंपल सिंपल आपके क्वेश्चन है, और कौन से पर आ गए हम अपने 13 पर आ गए, देखो ध्यान से, तो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ ए रूम इज 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रूम इज 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर, इफ इट्स ब्रेथ इज 5 होल 7/16 मीटर, व्हाट इट इज लेंथ, तो आपसे लेंथ पूछी गई है, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, तो लिख सकते हैं आप लोग क्या गिवन हमको, एरिया ऑफ अ रूम इज इक्वल्स टू 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर हमको गिवन है, देखो ध्यान से, सबको पता है एरिया का फॉर्मूला सर होता है हमारा एल इंटू बी होता है, बात समझ में आ गई, इसको कन्वर्ट करिए, 4 5 20 हो जाएगा, 4 6 24 और 2 26 और प्लस में कितना 1 2 61 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 261 और अपॉन में कितना हो गया 4, आपको क्या गिवन है, आपको यहां गिवन है ब्रिथ, गिवन है क्या गिवन है ब्रिथ, 5 होल, एल की वैल्यू रखो भाई, एल लेंथ तो पूछी गई है, बी गिवन है, तो 5 होल 7/16 इक्वल टू 261 अपॉन में कितना है आपका 4, एल इक्वल टू देखो 16 5 80 और 87/16 इक्वल टू 26 1/4 कितना आ गया 4, तो एल की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 261/4, और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो आप, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 87 कहां आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो ध्यान से हम लोग कैसे करेंगे, अच्छा यहां पर तो 16 जाएगा ना ये, और कितना जाएगा 4, 4 जा कितना होता है 16 होता है, तो किधर लिखेंगे यहां पर, आप लिखेंगे L इक्वल्स टू 261 into 4 और अपॉन में कितना सर यहां पर 87 है, 13 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अब 87 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, देखो ध्यान से 87 3 जा जाएगा, देखो चेक करो 37 जा 21 का 1 कैरी कितना होगा बच्चों 2 और 38 जा 24 24 और 2 कितना होगा 26, बिल्कुल करेक्ट है मतलब हमारा, तो L इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 into 4 और L इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 12 मीटर, तो हेंस द लेंथ ऑफ द रूम इक्वल टू 12 मीटर, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 यही पर होता है कंप्लीट, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है हम उसको देखेंगे, फिलहाल तो हम लोग 3 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन हमको यहां पर अपने कंप्लीट करने हैं, रफ करते हैं क्वेश्चन को, नोट कर लिया होगा सबने, नहीं किया तो नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक बार लाइक कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लो जैसे कि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अब कौन से पर अपने 14 पर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 14 पर, 14 में क्या उसको देखेंगे, चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, 14 में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 9 होल 1/3/5 इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 9 होल 3/7 फाइंड द अदर, तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, लेट कर लो सिंपल सा, लेट द अदर फ्रैक्शन, लेट द अदर फ्रैक्शन बी एक्स, हमने कितना लेट कर लिया एक्स कर लिया, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्या कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो हमको प्रोडक्ट का फ्रैक्शन गिवन है कितना है 9 होल 3/5 हो जाएगा, वन फ्रैक्शन हमको गिवन है 9 होल
थ्री अपॉन सेवन और अदर हमने कितना लेट कर लिया स्टूडेंट, एक्स लेट कर लिया। यहां बात क्लियर हो गई, सेवन नाइन जा 63 और थ्री कितना हो जाएगा 66 अपॉन सेवन इंटू में एक्स और इक्वल टू में 95 जा 45 और थ्री कितना हो जाएगा 48 अपॉन में कितना आ गया 5। एक्स की वैल्यू निकालो देखो ध्यान से ऐसे करके, तो 48 अपॉन कितना आ जाएगा 5 इंटू देखो 7 ऊपर जाएगा है ना, और नीचे कौन आ जाएगा 66 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना यहां तक सभी को, आ गई होगी बिल्कुल। अब देखो यहां डिवाइड करते हैं, 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 से करेंगे कितना आएगा बताइए, 6 8 जा और 6 11 टाइम जाएगा, तो देखो ध्यान से, तो x इक्वल टू 8 इंटू 7 अपॉन में कितना 11 इंटू 5 करो प्रोडक्ट, 8 7 जा कितना 56, 11 5 जा 55 चेंज करेंगे तो 55 1 जा 55 और 1 कितना हो गया 56। आंसर चेक कर लेंगे, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा आ चुका है, तो आप लिख सकते हैं लास्ट में कि हैंस अदर फ्रैक्शन इज 1 होल 1 अपॉन 55। यहां देखो लेट की जगह हैंस आ जाएगा, इज 1 होल 1 अपॉन 55। चलिए मैं लैंग्वेज भी लाओ लिख देता हूं है ना, लास्ट में इस लाइन को लिख लेना, इसको हटा देते हैं अब यहां से हम, तो हैंस द अदर फ्रैक्शन इज कितना हो जाएगा 1 होल 1 अपॉन 55 आपका ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो हमारा 14 भी कंप्लीट हो गया बच्चों, अब हम कहां आ गए अपने क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 55 पर, बच्चों 15 पर आ गए, कहां आ गए हम लोग 15 पर आ गए, और 15 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए कैसे लग रहे हैं आप लोगों को वीडियो ये बताइए, कमेंट्स करिएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, क्योंकि हम अपने आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं, ये बार बार 55 निकल रहा है मुंह से, पर क्वेश्चन हमारा क्या है ये 15 है, तो चलिएगा 15 को हम आप सॉल्व करते हैं और क्या कह रहा है उसको देखेंगे। यहां तक क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन 15 आप लोगों के सामने है। चलिएगा ये हमने कर दिया यहां पर रफ कर दिया क्वेश्चन को, चलिए तो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 15। चलिए देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, आराम से रीड करना, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कह रहा है बच्चों इन स्कूल 5/8 ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज, बॉयज कितने हैं बच्चों 5/8 हैं, इफ देयर आर 240 गर्ल्स, तो सबसे पहले क्या लिख लो भाई नंबर ऑफ बॉयज लिख लीजिए पहले, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या गिविन है 5/8 गिविन हो गए। बात समझ में यहां तक सबके आ चुकी होगी। आगे कहा देयर आर 240 गर्ल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। सबसे पहला काम हम गर्ल्स अगर हम लोग यहां से फाइंड कर ले तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देन नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या आप लोग रेशो भी निकाल सकते हैं कि रेशो ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान से, तो क्या लिखेंगे रेशो ऑफ गर्ल्स, ऐसे कर लेते हैं और इजी रहेगा हम लोगों के लिए, तो सर 1 में से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 1 जा 8 माइनस 5 अपॉन 8 तो कितना आ गया 8 में से 5 या 3 अपॉन 8 आ गए, तो रेशो ऑफ गर्ल्स आया, नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं है क्या ये, रेशो ऑफ गर्ल्स आया, कितना आया 3 अपॉन 8। आगे क्या है बच्चों आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन आगे रीड कर लेते हैं, कहा गया है आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज द स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज आप लोगों से पूछे गए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, हमने कितना लेट कर लिया कि हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट कितने हैं वो हमारे पास में एक्स है। अब आगे जो क्वेश्चन में है हमारा देखो ध्यान से, देन जो गर्ल्स है वो 3/8 है किसके भैया एक्स के, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दो तो हमारे पास जो बच्चे हैं टोटल वो कितने गिवन है, यहां पर टोटल हमारे पास देखो ध्यान से 240 हैं, कितने हैं 240 हैं हमारे पास में, ठीक है लिखा है देखो बुक में ध्यान से एक बार देख रहा हूं दोबारा से, मैं एक बार पढ़ के बता दूं आपको, इफ देयर आर 240 गर्ल्स तो टोटल हमारे पास 240 क्या है बच्चों गर्ल्स हो जाएंगी, तो 3/8 यानी x की वैल्यू फाइंड करेंगे ऐसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 240 इंटू 8 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3 3 6 24 यानी 60 आ गया, x की वैल्यू 60 इंटू 8 तो x की वैल्यू कितनी आई 8 6
48 यानी 480 आ गया। कितना आ गया आपका? 480 आ चुका है। बट आपसे यह नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ बॉयज बता दीजिए। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ बॉयज बताने के लिए नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस क्या गिवन है आपको यहां पर? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए नंबर हमने ऐसे लिख दिया, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो शॉर्ट में हमने इसको ऐसे लिख दिया है। चलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे आए 480 आ गए सर। कितने आ गए? 480। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी थी सर? 240। कितना है? 240। माइनस करिए 0 में से 0, 8 में से 4, 4 में से 2, यानी कितना आ गया सर? 240 आ गया हमारा। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि हेंस द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 240 इन द स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये कंप्लीट होता है कौन सा? 15। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर, और 16 हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। तो आराम से आप लोग क्वेश्चन को इसको पहले एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 16 भी, आप लोग आराम से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, उसके बाद हम 16 पर चलेंगे। देखिए ठीक है, तो कौन सा करेंगे अब यहां पर हम? क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। देखिए जो भी बच्चे नए हैं फर्स्ट टाइम चैनल को व्यूज करें, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, चलिएगा। तो 16 करेंगे अब हम यहां से। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के, मजा आ रहा होगा आप लोगों को देखने में क्वेश्चन को। वीडियो को कैसी लग रही है वो जरूर बताएं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा? After reading 7/9 of a book, 40 pages are left. 40 पेज हमारे बचे हैं 7/9 of a book. How many pages are there in the book? तो total हमारे number of pages कितने हैं book में? तो चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या given है? Ratio of book given है हमको, है ना? Question number कौन सा है 16 में? Ratio of reading book क्या गिवन हमको? रेशियो ऑफ रीडिंग बुक 7/9 गिवन है। कितना गिवन है? 7/9। अब रेशियो ऑफ अनरीड बुक निकालिए, तो रेशियो ऑफ अनरीड बुक कैसे निकालेंगे? 1 - 7/9। देखो तो 9 - 7/9, 9 में से 7 गया, 2/9 आ गया। अनरीड बुक कितने आ गए? 2/9 आ गया। आपसे क्या पूछा गया? आपसे स्टूडेंट ये पूछा गया है यहां पर कि हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक। तो कितने? तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहां से हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस को। ठीक है, क्या कर लेते हैं? लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस बी एक्स। हमने कितना लेट कर लिया? नंबर ऑफ पेजेस एक्स लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो चलेंगे अब यहां से। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से बच्चों, 2/9 हमारे अनरीड पेजेस थे, हमने टोटल पेजेस लेट कर लिए कितने? एक्स। और आगे जो बुक में गिवन था वो आपसे ये कहा था उसने कि ये 40 पेजेस का है। कितने कहे हैं? 40 पेजेस कहे हैं। देखो ध्यान से देखना, 40 पेजेस आर लेफ्ट। तो सिंपल है, x इक्वल टू 9 यहां, 2 यहां जाएगा, तो 40 × 9/2 कितने टाइम जाएगा सर? 20 टाइम जाएगा। तो x इक्वल टू 20 × 9, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 180। x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 आपकी आ चुकी है। एक बार इसमें हम लोग आंसर शीट से आंसर मैच कर लेते हैं क्वेश्चन का। कौन सा भैया? 16 क्वेश्चन का आंसर एक बार हम लोग जरूर चेक करेंगे कि कितना आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट पेजेस पूछे थे आपसे। 1G हमारी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है बच्चों 16। तो 16 का आंसर 180 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? हेंस द
टोटल नंबर ऑफ पेजेस इक्वल्स टू 180, ये आपका आंसर। हेंस द टोटल, देखो ये लिखा हुआ है, हेंस द टोटल नंबर ऑफ पेजेस एक्स की जगह पर इज की जगह यहां इज आ जाएगा 180, इज 180 पेजेस आर आएगा, है ना। द टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 180 डिग्री, 180, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया जी। इसी पर आ गए हम लोग अपने 17 क्वेश्चन पर, अपने आ चुके हैं, और 17 में क्या गिवन आई है उसको हम लोग देखेंगे। चलिएगा तो 17 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, नहीं सॉल्व किया है। अब देखो बच्चों एक बात का ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं कि आप लोग सारे क्वेश्चन इसमें से करेंगे, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, खुद भी ट्राई करने की कोशिश करो, तो जैसे आशा लगे कि आप लोग भी हाँ कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करेंगे अब 17, और इसको कर देते हैं हम यहां से ड्राफ्ट, देखो ठीक है बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता वर्ड प्रॉब्लम से, ये तो मुझे मालूम है, जब हम पढ़ते थे हमको भी डर लगता था, ठीक है ना, हमको भी बहुत डर लगता था वर्ड प्रॉब्लम से। चलिए तो 17 करते हैं हम लोग। कह रहा रीता हैड 300 रुपए, रीता के पास कितने रुपए हैं बच्चों, 300 रुपीज हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रीता हैज रुपए 300, कितने हैं 300 है। सी स्पेंट 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक, स्पेंट ऑन नोटबुक, किस पर स्पेंड किया बच्चों उसने, नोटबुक पर स्पेंड किया है, तो नोटबुक पे जो स्पेंड किया है उसने, स्पेंट ऑन नोटबुक, तो क्या लिखोगे यहां पर आप, 1/3 इंटू 300, कितना आ जाएगा सर, सर रुपया 100 आ गया, तो नोटबुक पर कितना स्पेंड किया उसने, 100 किया। आगे सुनिए, 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम, और 1/4 जो उसने किस पर किया बच्चों, स्टेशनरी आइटम पर किया है, किस पर किया है, स्टेशनरी आइटम पर। देखो यहां पर 300 ये था, 100 ये हो गया, तो रीता हैज, है ना, कितने उसके पास बचे, लेफ्ट मनी, रिमेनिंग मनी लिखेंगे ना, रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग मनी, तो क्या लिखोगे भैया, रुपए 300 में से बच्चों 100 उसने खर्च करे, उसके पास कितने बचे बच्चों, अब 200 बचे। अब देखो बच्चों ध्यान देना, जो उसके पास 200 रुपए बचे हैं उसने अब किस पर खर्च किए हैं, स्टेशनरी पर, स्पेंड ऑन स्टेशनरी, स्पेंड ऑन स्टेशनरी, स्टेशनरी आइटम, स्टेशनरी आइटम, ठीक है, स्पेंट ऑन स्टेशनरी आइटम रिमाइंडर मनी, तो क्या लिखेंगे आप यहां पर, 1/4 इंटू कितना बच्चों, 200, कितना आ जाएगा सर, 5/4 = 20, यानी रुपए कितना आ गया, 50 आ गया, कितना आ गया रुपए, 50 आ गया। आगे चलो देखो ध्यान से, हाउ मच मनी इज विद, इज लेफ्ट विद हर, अब ध्यान दो बच्चों, क्या उसके पास कितने रुपए बचेंगे वो हमको बताना है, देखो ध्यान से बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग वो ध्यान दीजिए, पहले सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक, आइए तो टोटल मनी स्पेंड, टोटल मनी स्पेंड कितने कितने खर्च किए बेटा, 100 की उसने क्या ली, नोटबुक ले ली, कितने की, 100 की ली बच्चों, तो रुपए 100 प्लस 50 रुपए का स्टेशनरी आइटम लिया, कितने का लिया, 50 का, तो कितना आ गया यहां पर, 50 आ गया, देखो तो रुपए 100 और 50 कितना हो जाएगा सर, 150 उसने खर्च कर दिया। अब आपसे पूछा क्या गया है, वहां ये सीधे क्वेश्चन पर पूछा आपसे गया है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, मनी लेफ्ट हर इक्वल्स टू रुपए, भाई टोटल 300 थे, 150 बच्चों उसने खर्च कर दिए, तो टोटल उसके पास कितना बचा सर, उसके पास बच गया 150 रुपए, कितना बचा है रुपए 150। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर,
और 18 में क्या गिवन आई उसको देख, चलिएगा 18 को देखते हैं अब हम लोग। 18, 19, 20 हमारे क्वेश्चन यहां पर अभी बाकी हैं। चलिएगा तो कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम अपने 18 पर। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, इसको कर देते हैं यहां से हम रफ। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज हमारी 1G एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की, क्योंकि इसके बाद आपके MCQ है वो तो सिंपल है, उनको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे 1H को। चलिए पार्ट टू हमारा चल रहा है। 18 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अमित अर्न्स रुपए 3200 पर मंथ। अमित कितने अर्न करता है मनी? 3200 है ना, 32,000 पर मंथ। He spends on 1/4 of his income on food, 3/10 of the remainder house rent and 5/21 of the remainder on the education of children. Question number 17 और 18 बिल्कुल same है, बिल्कुल same question है। How much money is still left with him? तो total उसके पास कितना पैसा बचेगा, आपको ये करना है। तो बिल्कुल same question है, किसी भी तरह से आपको कोई problem यहाँ पर नहीं होगी। तो चलेंगे हम लोग इस question को अब करना शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट अर्न बाई अमित कितने बच्चों है रुपए 32,000। अमाउंट स्पेंट ऑन फूड लिख लीजिएगा, अमाउंट स्पेंट ऑन फूड कितना कर रहा है बच्चों? 3/1/4 कर रहा है। किसका बच्चों? 32,000 का 1/4। सबको मालूम सर 4 8 जा होते हैं 32, तो सर कितना आ गया 8,000 उसने किस पे खर्च कर दिया? सर अमाउंट किस पे खर्च किया? 8,000 उसने फूड पर खर्च कर दिया। तो फूड पर जब उसने 8,000 खर्च कर दिया तो उस पर बचेगा कितना वो लिखेंगे। नाउ द अमाउंट लेफ्ट विद हिम तो क्या करेंगे सर? रुपए 32,000 में से कितना माइनस कर देंगे सर? 8,000। कितना आ जाएगा सर? 24। कितना आ जाएगा सर? 24 आ जाएगा। बिल्कुल बच्चों 24 आ गया। अब आगे देखो ध्यान से, अब जो इसके पास बचे 24 उसने किस पर खर्च किए हैं? हाउस रेंट पर, है ना। तो क्या लिखेंगे? अमाउंट स्पेंट ऑन हाउस रेंट इक्वल टू कितना भैया? 3/10 पार्ट खर्च कर रहा है, 3/10 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कितना था बच्चों उसके पास? 24 बचा, 0 से 0 हमारी कैंसिल, 24 3 जा होता है 72, ठीक है यही तो आएगा भाई, 20 हो गई, 24 3 जा 72। ये उसने खर्च इस पर कर दिया हाउस रेंट। अब उसके बाद फिर कुछ बचेगा, है ना, नंबर ऑफ द अमाउंट। नाउ द अमाउंट लेफ्ट विद हिम तो कितना आया बच्चों? देखो ध्यान से भाई, 24,000 बचे थे उसमें से इसने 7200 और खर्च कर दिए। माइनस करके बताइए, 20 तो आपके ये हो गए, देखो 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, है ना, यहां पर 3 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, कितना आएगा आपका? 14 हो जाएगा ना, और 14 में से 7 जाएगा कितना आएगा? 16 आ जाएगा, 16 आ गया ना, सिंपल है, देखो रुपए 16,800 आ गया आपका। अब आगे भी कुछ क्वेश्चन में कहा है अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, देखो आगे भी बहुत क्वेश्चन में कहा है, क्या लिखेंगे? अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन कितना कर रहा है बच्चों? कर रहा 5/21, कितना कर रहा है? 5/21 इंटू 16800। तो देखो ध्यान से, 8 आ गया, देखो ध्यान से, तो क्या लिखेंगे? 5 × 800 कितना आ गया? 5 × 8 = 40 और 20 हमने ये लगा दी, कितना आ गया? 4,000 आ गया। कितना आ गया बच्चों? ये आ गया हमारा कितना? 4,000। आपसे पूछा गया है टोटल कितना लेफ्ट, सो टोटल अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट
लेफ्ट विद हिम, लेफ्ट विद हिम। बच्चों ये देखो 16,800 था यहां पर, उसके पास बचा इतना, देखो टोटल इतना था और यहां से कम होता 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 कहां आ गया, यहां आ गया। देखो इसमें से 4,000 उसने और क्या कर दिए, खर्च कर दिए। कितना आ जाएगा सर 60 में से 4 गया सर 4,800 हमारा उसके पास बचेगा पैसा, इतना वो घर लेके जाएगा अपने। तो यही क्या है आप लोगों का आंसर, कितना गलत आ रहा है? अरे क्या बात है भाई, 16 में से 4 जाएंगे 12,800। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। तो ये आपका क्या आ गया देखो आंसर, आंसर सीट से आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा, आंसर नंबर 18 है। हम भी आप लोगों को आंसर जरूर चेक करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर हमें क्या आ रहा है। एक्सरसाइज है 1G, 12,800 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां आ चुकी है। भैया 6 नहीं है, क्या है ये 0 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कहां पर अपने 19 पर आ चुके हैं, और 19 में हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम उसको देखें। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 19 पर, 19 के बाद हमारा लास्ट बचेगा 20, यानी अब हम करेंगे अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। चलिए तो यहां हम लोग लिख देते हैं कितना बच्चों 19, और आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो बच्चों। चलिएगा नोट तो कर लिया होगा सबने। आज देखिए अगर आप लोग इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हो तो तिवारी क्लासेस का जो इंग्लिश वाला चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर आप लोगों को इंग्लिश की भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे हम 19, इसको हम कर देते हैं रफ। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं साइड में हो गया था, तो आप लोग उसको वहां से आराम से इसको नोट कर सकते हैं। आरएस अग्रवाल तो बहुत ही टॉप वाली बुक है हमारी रिफ्रेशर की, अच्छे से मन से करिएगा। अगर आपने इसको अच्छे से कर ली ना, आपके सामने कोई भी बुक रुकने वाली नहीं है। तो चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन का क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहा है 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7 बाई 44, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले ना एक्सीड्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग लेट द नंबर बी एक्स कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। हमने कितना नंबर लेट कर लिया, एक्स कर लिया। अब डिफरेंस भी फाइंड कर लो भाई, क्या फाइंड कर लेंगे डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन 3/5 एंड 2/7। तो क्या लिखोगे बच्चों 3/5 माइनस 2/7, 7 3 = 21, 5 2 = 10, कितना जाएगा नीचे 35, कितना जाएगा 11/35। अब चलेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना एक्सीड बताया है सर 44 कह रहा है, तो 11/35 का नंबर हमने कितना लेट किया सर एक्स, और कितना है बच्चों 44 एक्सीड कर रहा है। एक्स इक्वल्स टू देखो क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल है, 44 × 35/11, 11 4 होता बच्चों 44, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर 4 × 35 हो जाएगा, और 4 5 = 24 3 = 12 और 4 2 कितना 40, तो x इक्वल टू कितना आ गया 140 आपका आंसर आ चुका है। आंसर शीट से आंसर मैच कर लेंगे हम लोग कि आंसर हमारा क्या गिवन है बुक में। यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये देखिए यहां तक करने के बाद आप क्या लिखेंगे, लेट की जगह हेंस द नंबर इज 140, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, देखो लैंग्वेज आपकी यही बन जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन पर हम अपने आ चुके हैं, और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है 20, कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम अपने 20 पर। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और जाक में अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20, जल्दी से नोट कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया है। क्वेश्चन पर हम अपने आ चुके हैं, और इसके बाद में हमारी एमसीक्यू की एक्सरसाइज है 1H, कौन सी एक्सरसाइज है 1H एक्सरसाइज है। चलिए तो हम फिलहाल यहीं पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे, और नेक्स्ट में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने आ चुके हैं।
चलिए तो हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 को, इसको कर देते हैं यहां से हम रफ, देखते हैं 20 में हमें क्या गिवन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, और अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे आप लोगों को क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की। तो 20 में आइए, एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वेयर इन अ कवर्ड प्लेस वाइल 15,000 वर इन ओपन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स आपसे पूछा गया। देखिए तो कितने हैं टोटल हमारे पास में, 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स कवर्ड वाइल 15,000 वर इन ओपन। ठीक है तो बहुत सिंपल है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रेशो ऑफ स्पेक्टेटर्स निकाल लेते हैं। ठीक है तो सबसे पहले टोटल 2/7 गिवन हमको है ना, एट द क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर वर इन कवर्ड प्लेस वाइल, तो नंबर ऑफ रेशो ऑफ स्पेक्टेटर्स हमारे कितने हैं 2/7, ओपन की बात करी गई तो ओपन निकाल लेंगे, रेशो ऑफ स्पेक्टेटर्स इन द ओपन। तो ओपन के लिए क्या करना आपको, 1 - 2/7 कितना आएगा, 7 - 2/7 दैट मीन 7 में से 2 गया, 5/7 कितना आ गया बच्चों यहां पर 7 आ गया। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। ठीक है तो हम एक काम कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन द ओपन। तो हमने कितना लेट कर लिया, इक्वल टू कितना कर लिया स्टूडेंट, एक्स कर लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलेंगे तो ओपन में कितने थे सर, 5/7 थे इन टू एक्स, और टोटल हमारे पास जो थे 15,000, कितना है सर 15,000, एक्स की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर 15,000 इन टू 7 अपॉन कितना 5, तो 5 × 3 = 15 यानी कितना आएगा 3,000 आ गया। देखो ध्यान से तो x इक्वल टू आ गया 3,000 इंटू 7 और x की वैल्यू कितनी आ गई 21,000। यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर, सीट से एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा। लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन द ओपन, तो आपका कितना हो जाएगा सर 21,000। तो ये आपका पार्ट टू होता है एक्सरसाइज 1G का कंप्लीट। 1H में आपके MCQs हैं, उनको भी हम लोग करेंगे। कितने क्वेश्चन है टोटल हमारे, 23 क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में 1H एक्सरसाइज की बात करेंगे, MCQs की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, बाय बाय टू ऑल।